सरदारपुर में क्रमिक धरना प्रदर्शन के छठे दिन महिलाओं ने दिया धरने को समर्थन। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में शिवराज सरकार की मनमानी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुदूर सड़क के कार्य प्रारंभ करने की घोषणा के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं होने, जनता के हित में आवश्यक सुदूर सड़क सहित अन्य कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं करने के विरोध में विधायक प्रताप अग्रवाल के नेतृत्व में जारी क्रमिक धरने प्रदर्शन के छठे दिन लाबरिया, वाकड़, काली खमाड़, बालोदा, चैकी, रुंडा, इमलीपाड़ा आदि ग्रामों के ग्रामीणों ने धरना स्थल जनपद कार्यालय के नजदीक स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में पहुंचकर समर्थन दिया है। ग्रामीण जन अत्यंत आवश्यक नवीन सुदूर सड़क के कार्य स्वीकृत करने की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत लाबरिया में सरदारपुर बदनावर मार्ग से वाकर कालीगमांड, लाबरिया में शंकर मंदिर से नहर तक, बालोदा से हथकलिया से भेरोजी मंदिर तक सुदूर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति की मांग कर रहे हैं। आज महिलाओं के साथ धरने में शामिल हुए हैं, क्या है, क्या वजह है? आज हमारे यहाँ पर क्रमिक धरना चल रहा है, तो आज हमारी महिला टीम की ओर से था। और धरने का महत्व हमारा यह है कि गांव में, पंचायत में सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की होती है, तो हर समस्या से महिलाएं परेशान हैं। तो जो रोड की समस्या है, तो कहीं पानी की समस्या है, और समस्या वो है कि जो पंचायत में अभी तक नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही, उसका कारण क्या है? पंचायत वाले विधायक जी के पास आते हैं, उनके पास शिकायत करते, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सरदारपुर के साथ में, तो अभी कहाँ से देंगे? तो महिलाएं ने आज हर पंचायत से आई हैं, और उन्होंने भी ये ठाना है कि अपना भी हक बनता है तो अपने हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि रोड हमें भी चाहिए, हमारे ग्राम पंचायत में विकास हमें भी चाहिए, जो अभी तक इनको नहीं मिला है। बस इसी के लिए हम धरने पे बैठे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि सरदारपुर तहसील में सौतेला व्यवहार आप बंद करें, और यहाँ पर जो भी लागत है और जो राशि दी गई है उसको दे, जो निर्माण कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करें, और जो शुरू हो चुके हैं उनको जल्दी से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। वरना महिला टीम अभी तो आज कम से कम 50 से 60 महिलाएं हैं, पर आने वाले समय में अगर वो नहीं करते हैं तो यहाँ सैकड़ों से महिला बिल्कुल हम तैयार कर लेंगे। उसके लिए चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे प्रदर्शन करना पड़े, हमें रोड पे चक्का जाम भी करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम सरदारपुर के विधायक प्रताप ग्रेवाल के साथ में है पूरी महिला टीम। मेरा नाम मीना मारू, ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस।